इस वक्त बड़ी खबर इटावा से, जहां सड़क पर खड़े ट्रक से टकराई है रोडवेज बस और यह हादसा हुआ है। हादसे में दो की मौत हो गई है, 24 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। बकेवर थाना इलाके के NH-19 पर यह हादसा हुआ। तो ये बड़ी खबर इटावा से, जहां सड़क पर खड़े ट्रक से टकराई है रोडवेज बस। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि 24 से ज्यादा यात्री इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बकेवर थाना इलाके के NH-19 पर हुआ है यह हादसा। लेकिन क्या इस हादसे की वजह ओवर स्पीड रही या फिर नींद आना, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। सड़क पर खड़े ट्रक से रोडवेज बस टकरा गई, जिस वजह से यह हादसा हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य चलाया गया। अभी तक की जानकारी के मुताबिक हादसे में दो की मौत हो गई है, 24 से ज्यादा यात्री इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। बकेवर थाना इलाके के NH-19 पर हुआ है यह हादसा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव इस वक्त जुड़े हुए हैं। गौरव, कैसे यह हादसा हुआ, क्या अपडेट्स? जी आपको गंभीर थी कि उसमें जो ट्रेनों की संख्या थी वो 200 से थी, और पर दो लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 42 वर्ष का एक युवक था, इसके अलावा 1 साल का बच्चा भी इसमें शामिल था। सभी घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस एम्बुलेंस की माध्यम से अस्पताल भिजवाया, उनका उपचार किया गया, जिसमें 5 की हालत गंभीर बनी हुई थी, उसे रेफर किया गया है। गौरव, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है? कुल कितने यात्री सवार थे इस बस में? पूरा कर लिया है, फिलहाल अभी इसमें मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना दिखाई जा रही है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव श्रीवास्तव इस जानकारी के लिए। और ये हादसे की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देर रात ये हादसा हुआ, जब सड़क पर खड़े ट्रक से रोडवेज बस टकरा गई थी, और सामने का हिस्सा देखिए पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि मृतकों का आंकड़ा बताया जा रहा है कि बढ़ सकता है। ये देखिए, पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद जो शख्स इसमें जख्मी हुए थे उनको बस से बाहर निकालकर अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। सबसे पहले हादसे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस पूरी घटना में 24 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ज्यादातर इस तरीके के हादसे ओवर स्पीड की वजह से होते हैं, जब कई बार ड्राइवर अपना नियंत्रण खो देता है।